बी ने लॉन्च की राजा ज्वाला प्रसाद पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप ये पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए है और स्पेशली ये फ्रेश पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए है बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं एज कंपेयर टू और ये आपको फेलोशिप और कहीं नहीं मिलेगी बिकॉज दिस इज स्पेशली लॉन्च बाय बी एच यू सो आपको इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि वॉट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हाउ यू विल बी सेलेक्टेड एंड हाउ मच यू विल गेट इट इफ़ यू विल गेट दिस फेलोशिप चलिए डिटेल में देखते हैं जल्दी से किस किस डिपार्टमेंट में कैसे कैसे एलिजिबिलिटी में निकली हुई ये पोस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है सर्कुलेट करो जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो इट कैन गिव यू अ करियर एडवांसमेंट सो ये जो स्कीम लॉन्च हुई ये बेसिकली यंग रिसर्चर्स के लिए है इन ऑर्डर टू इनक्रीज द रिसर्च एडवाटेज और उसके बाद रिसर्च एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए तो एक्सटर्नल फंडिंग आपको लेने में टाइम लगता है तो बेटर होता है कि जैसे ही आपके पास ऑप्शन हो आप एलिजिबल हो इस फेलोशिप को अपलाई करो यू विल गेट अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ़ फेलोशिप इसके अंदर मंथली सैलरी जो है दैट इज़ सिक्सटी थाउजेंड प्लस टेन थाउजेंड एच आ रही है यानी सेवेंटी थाउजेंड आपको मिलने वाला है सो दैट इज़ वेरी गुड दिस इज़ बेसिकली फॉर द यंग रिसर्चर ऑफ द पोस्ट ऑफ फेलो और ये इनिशियली वन टू वन ईयर कंटिन्यू होती रहेगी ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क विच इन विच यू विल बी सेलेक्टेड तो अब इसके अंदर क्या है कि यू डोंट हैव टू अप्लाई कॉमनली ये डिपार्टमेंट वाइज अलॉट हुई है आप ये चू की वेबसाइट पर देखेंगे वेन यू विल गो टू द रिक्रूटमेंट सेक्शन तो प्रोजेक्ट और टेम्प्रेरी पोस्ट में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेंगी राजा ज्वाला प्रसाद पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स फॉर एग्ज़ाम्पल डिपार्टमेंट ऑफ जियो फिजिक्स फिजिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर है केमिस्ट्री में है केमिस्ट्री में दो दो हैं अलग अलग प्रोफेसर्स के साथ फिर उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री बी एच यू दैन डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट बहुत सारी सीट हैं केमिस्ट्री के अंदर जिराटिक मेडिसिन के अंदर भी है ये फेलोशिप फिर उसके बाद फिजिक्स में है फिर एग्रीकल्चर uh, के अंदर हैं केमिस्ट्री में अगेन एंड जिस 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 प्रोफेसर को ये मिलती जा रही है वो अपना पोस्ट यहाँ पे आती जाती है एंड आपको अकॉर्डिंगली ये चीज़ देखनी पड़ेगी तो चलिए मैं दो तीन खोल लेता हूँ जिससे कि आपका डाउट्स क्लियर हो जाएँ एक केमिस्ट्री की देख लेता हूँ बिकॉज केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं इस चीज़ को लेके और उसके बाद एक ले लेते हैं हम आई की डिपार्टमेंट ऑफ एनाटमी की तो ये देखिए ये जो मैंने ओपन किया है दिस इज़ फॉर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट तो नो दिस इज फॉर द एनाटमी प्रोफेसर रोहिना सिंह के अंडर में ये पोस्ट है राजा ज्वाला प्रसाद पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप जिसके अंदर इन्होंने क्लियरली लिखा है सिक्सटी थाउजेंड टेन थाउजेंड एंड फिफ्टी थाउजेंड कंटिजेंसी ग्रांट है फॉर वन ईयर अब इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होगी इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो सारे किसी के बीटे अंडर में आएगा इट शुड बी है पी एच डी डिग्री अब ये वेरी करेगा एडवर्टीजमेंट टू एडवर्टीजमेंट हो सकता है कि आप साइंस में जा रहे हो तो वहाँ अलग हो केमिस्ट्री में जा रहे हो तो अलग हो तो यहाँ जैसे उन्होंने लिखा बॉटनी लाइफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी बायो केमिस्ट्री बायो साइंस बाय इन्फॉर्मेटिक्स इतने लोग के पास अगर पी एच डी डिग्री है इन सब के अंदर तो आप अप्लाई कर सकते हैं और उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए मिनिमम क्राइटेरिया है टू रिसर्च पब्लिकेशन क्यू वन एंड क्यू टू जर्नल के अंदर जो कि स्कूपस और वेब ऑफ साइंस लिस्टेड जर्नल्स में ही होना चाहिए अपर एज लिमिट वेरी कर रही है कुछ में कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम 34 इयर्स तक ही कुछ लोग 45 तो ये है 45 तक बाकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन वेरी करेगी डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट फॉर एग्जांपल दे हैव रिक्वेस्टेड बायो इन्फॉर्मेटिक्स मॉलिकुलर बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी और अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक्स माइक्रोस्कोपी प्रोटीन एक्सप्रेशन एंड प्यूरिफिकेशन दिस इज लाइक कम्प्लीटली मॉलिकुलर पोस्ट तो आपको सिर्फ और सिर्फ ई करना है हार्ड कॉपी सबमिट कर सकते हो आप डिपार्टमेंट में डायरेक्टली जाके शॉर्ट लिस्ट होगा तो यू विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू अब अगर हम सेकेंड पोस्ट देखें तो ये है केमिस्ट्री के अंदर अब आप देखिए इन्होंने जो स्पेसिफिकली कर दिया कि लाइक दे वांट फॉर द नैनो मटेरियल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एनर्जी स्टोरेज हार्वेस्टिंग रिनोब्रेशन बता दिया 50 10 एंड uh, 60 10 एंड और यहाँ एम एस सी केमिस्ट्री में होना चाहिए फिफ्टी फाइव परसेंट मार्क्स और पी एच डी डिग्री इन केमिस्ट्री मटीरियल साइंस नैनो साइंस नैनो टेक्नोलॉजी ठीक है क्यू वन क्यू ट्यूब के अंदर जनरल ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होना ही चाहिए और डिजायरेबल वेरी करेगा एज पर देयर टॉपिक सो इनिशियली ट्वेल्व मंथ फिर ये एक्सटेंड होगा एक्सटेंड होता जाएगा लास्ट डेट देखिए ट्वेंटीथ सेप्टेम्बर है तो जितने भी लोग हों प्लीज़ इसको सर्कुलेट कर दो बहुत अच्छी फेलोशिप है और अगर मेन टाइम पे आप कहीं ज्वाइन नहीं किए हैं तो इस टाइप की जॉब ज्वाइन कर सकते हैं यू विल गेट अ गुड एक्सपोजर बहुत सारी हैं देखिए आप डिपार्टमेंट अपना देखते रहिए जियोलॉजी में है डेरी साइंस में है बॉटनी में है फिज़िक्स में है तो ये जितनी कुछ आ रखी हैं और भी आती रहेंगी सो प्लीज़ बी एक्टिव ऑन दिस वेबसाइट जिससे कि आपकी एक भी पोस्ट ये मिस ना हो जोलॉजी के अंदर है फिर साइटोजेनेटिक्स लेबोरेटरी में है मतलब जोलॉजी में ही हुआ है ना फिर जोलॉजी मेडिकल साइंस बहुत सारी पोस्ट हैं तो इसको अपडेट रहिए और रिसर्च असिस्टेंट प्रोजेक्ट असिस्टेंट की भी पोस्ट हैं इनको भी आप देख सकते हैं जैसे एक बार एंटर कर जाएंगे आप बी के अंदर किसी भी पोस्ट में तो यू कैन डू योर पी यू कैन गेट योर लाइक जॉब सिक्योरिटी कंटिन्यूटी बिकॉज यू विल गेट अ वेरी गुड एटमोसफेयर ऑफ इंटर रिसर्च सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस फेलोशिप और अभी पी एच डी के लिए लिंक जनरेट नहीं हुआ है सो प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज थैंक यू सो मच दिस इज दिस इन्फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट दर्स वाई आई हैेयर प्लीज़ शेयर इट टू एवरी वन जितने भी लोग हों और ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना जिससे कि किसी का भी अपलीकेशन मिस ना हो